मुंबई के विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन के बाहर सबा शेख नाम की महिला ने नेता की धमकियों से डर आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला विक्रोली पार्क साइड इलाके में ही रहती है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता की धमकियों से परेशान है। महिला के पति ने भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पुलिस पर भी उन्हें तंग करने का आरोप है। मुंबई के कालाचौकी इलाके में कल 15 से 20 फीट जमीन धस गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। पिछले हफ्ते भी इसी जगह के पास एक घर की जमीन धस गई थी। इस जगह बीएमसी जमीन के अंदर से ड्रेनेज लाइन डालने का काम कर रही है, जिस वजह से यहां एक हफ्ते में जमीन धसने की दो घटनाएं हो चुकी है। मुंबई के मीरा रोड पर शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। जिन दुकानों के बोर्ड पर मराठी में नहीं लिखा था उन पर पोती कालीख। शिवसेना की मांग है कि दुकान का नाम मराठी में ही लिखा होना चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बुलाए गए सम्मेलन में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, दिल्ली पहले मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम थी, अब एलजी के गुलाम है। पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन पर पुरी सियालदह दुरंतो एक्सप्रेसवे में यात्रियों ने खराब खाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये खाना खाकर कुछ महिलाएं और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों की शिकायत पर IRCTC ने इस ट्रेन में खाना मुहैया कराने वाली कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने सड़क दुर्घटना में घायल एक शख्स की मदद की। पलानीस्वामी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने वेल्लोर जिले में एक दुर्घटना देखी। पलानीस्वामी घायल शख्स के पास पहुंचे और अपने काफिले की एक एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक सीएम ने अधिकारियों को घायल शख्स की हर तरह से मदद करने के निर्देश दिए हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।